नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आपके साथ में आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिले के स्टेडियम में उपस्थित हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक भव्य सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें औरंगाबाद बनाम रोहतास से दोनों खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। और आइए इसके बाद में आप दिखलाया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एजेंसी में कौन से प्लेयर हैं, आइए मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। और इधर में ये जो ब्लू जर्सी देख रहे हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि यह कहाँ के टीम है। आप लोगों का कैप्टन कौन है? हेलो कैप्टन, कैप्टन कौन है? कम आइए आइए। तो अभी मैं उन टीमों से आपको रूबरू कराऊंगा जो इस मैदान में उतर चुके हैं। कहाँ से हैं आप लोग? दावत से। दावत से, मतलब कि औरंगाबाद या ये रोहतास? रोहतास। रोहतास से। चलिए धन्यवाद। ये जो आप टीम देख रहे हैं ये रोहतास की टीम है, और आप हरी जर्सी में जो देख रहे हैं उस तरफ में वो औरंगाबाद की टीम है। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर मैच का आयोजन किया जाएगा। अभी जितने भी प्लेयर हैं सब फील्ड पे उतर चुके हैं। चलिए मैं पुनः के ग्राउंड में उपस्थित हूँ और मैं जानने का प्रयास करूँगा कि ये जो सामने फुटबॉल लेकर के टीम हरी जर्सी में है वो कहाँ की टीम है। कैप्टन कौन है, क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार। कहाँ की टीम है आप लोग? औरंगाबाद। क्या नाम है आपका? कुंदन कुणाल। आपका नाम? पुरुषोत्तम कुमार। आपका नाम? संतू कुमार। और लोग आ जाए, आपका नाम? कपिल कुमार। आपका नाम? जुबैर। आपका नाम? हर्षराज। आप अपना परिचय दीजिए। मैं जाफर हुसैन, संझौली मध्य विद्यालय गौरी शंकर, शिक्षक के रूप में काम करता हूं, और जितने भी संझौली प्रखंड में कार्यक्रम होती है सारा, मतलब हम उद्घोषक एंकर का काम करता हूँ। चलिए धन्यवाद। आज का इसमें बोले आज का इस मैच का कार्यक्रम 26 जनवरी जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, उन्हीं के गणतंत्र दिवस के अवसर पर तथा मां शारदे की इस पावन बेला में आदर्श फुटबॉल क्लब संझौली के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका मुख्य अतिथि है जिला पार्षद रोहतास अध्यक्ष श्रीमती पूनम भारती और जिला पार्षद उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती वंदना राज। इसमें सर इंजीनियर प्रभात कुमार का क्या अभिनय है? इंजीनियर प्रभात कुमार समाज सेवी हैं और इनका लगा नहीं है कि संझौली प्रखंड में हो चाहे रोहतास जिला में कोई कार्यक्रम हो ऐसा लिखा जाए कि मतलब दर्शक हमेशा खुशहाल रहे और देखते रहे। इनका पहले भी घोषणा हो चुका है कि जो प्लेयर पहला गोल लगेगी उन पर 501 रुपया का इनका पुरस्कार है, जो कि पुरस्कार हमारे पास आज चुकी भी है। ये हमारे जिला पार्षद अध्यक्ष पूनम भारती और उपाध्यक्ष जिला पार्षद पूनम भारती और वंदना राज दोनों आज के मुख्य अतिथि होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ में हमारे मझौली की अच्छा तू फोटो खींचना ठीक है, फोटो लेना। दिनेश सिंह जी है साथ ही, और चथुआ से चल करके हमारे
काशी जिला परिषद विनय पाल जी है, मुखिया बैठी चंद्रहंस जी और शोभा बढ़ाने के लिए हमारे काराकाट ब्लॉक से बेलसागर पंचायत के मुखिया देखिए की कुमार जिला पार्षद श्रीमती पूनम। इस वक्त मैं एक फुटबॉल खेल प्रेमी से मिल रहा हूं और आइए जानने का मैं प्रयास करूंगा कि ये किसके सपोर्ट में है। यहां पर दो टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा फुटबॉल का, रोहतास बनाम औरंगाबाद, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? अब इसमें अब देखिए खेल तो ऐसा होता है कि खेल का कुछ कहा जाता है कि कोई जीतेगा, मगर खेला बढ़िया हो रहा है रोहतास का। क्या नाम पड़ेगा? बलिराम जाधव, चांदी पंचायत से। नगर पंचायत के मुखिया अनिल कुमार जी के तरफ से जो पहला गोल लगेगा उनको 1,001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम गोल में और है रामपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक और सुनील कुमार गुप्ता, जिला पार्षद अध्यक्ष पूनम भारती और पंचमचोर में सिंह। क्या उम्मीद लग रहा है कौन सा टीम जीतेगा? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कौन सा जीतेगा। औरंगाबाद, राम प्रवेश चौधरी करमैनी से। क्या नाम है आपका? रामनाथ प्रजापति, संझौली। यहाँ दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, औरंगाबाद और रोहतास। अच्छा, क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा? कौन सा टीम जीतेगा? अभी तो खेल हो रहा है तो कौन सा बताए? अनुमान है तो उधर का पार्टी चाह रहा है, इधर बताएगा औरंगाबाद कौन है। हाँ तो औरंगाबाद का उम्मीद है की यहाँ चाह रहा है की जनाब उसी का आ रहा है। और खिलाड़ी भी अपने डटे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के स्टेडियम में फुटबॉल का महामुकाबला हो रहा है औरंगाबाद और रोहतास के बीच में, और इस खेल को देखने के लिए हमारे पीछे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दर्शकों की भीड़ है। और आइए मैं आपको उस दृश्य को दिखलाने का प्रयास करूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इस समय जो मैच हो रहा था औरंगाबाद और रोहतास के बीच में, तो कौन सी टीम कितने गोल से विजय प्राप्त की है। अभी इंटरवल का समय हो चुका है और इंटरवल के बाद में फिर पुनः मैच खेला जाएगा, तो आइए चलते हैं मैं रेफरी के पास में। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मुकुल चौधरी। अभी दो टीमों के बीच में सर जो मैच चल रही थी वो कौन कौन सी टीम है? सर एक औरंगाबाद और एक रोहतास। और कितने समय का खेल हो चुका है? ये 35 का हाफ गेम खत्म हो चुका है। और हाफ गेम में कौन सा टीम किस टीम पर कितना गोल किया? रोहतास औरंगाबाद पे 3 गोल से बढ़त बनाए हुए है। अभी हाफ टाइम का गेम बाकी है, देखते हैं अभी फिर क्या आगे होता है। चलिए, अभी इन्होंने जानकारी दिया कि 3 गोल से रोहतास आगे है, सही बात है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो 3 गोल से जीत चुका है, इधर में आपको रोहतास का टीम है ब्लू जर्सी में और पीछे आप देख रहे हैं वो औरंगा का टीम है हरी जर्सी में। अभी दो टीमों के बीच में फुटबॉल का महामुकाबला रोहतास के संझौली प्रखंड के स्टेडियम में हुआ,
तो आइए मैं जानने का कोशिश करूंगा कि इस टीम के द्वारा जो 3 गोल किया गया है, इस गोल का श्रेय किसे दिया जाता है। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल। एमडी काशिफ जी, आपका नाम? सोनल। आपका नाम? शंकर श्रीवास्तव। राजू कुमार। सर मेरा नाम दिवाकर अरोड़ा। रोहित कुमार। करण कुमार दावत। नारायण कुमार दावत। कैप्टन कौन है आप लोगों में? आप हैं। अभी आप लोगों के द्वारा कितना गोल किया गया? 3-0। 3-0 जी सर। तो इस जीत का, इस गोल का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? जैसे मैं सर, सभी खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन किए, सब जोड़ जोड़ से मेहनत रही है, 3-0 से आगे हैं। हम लोग बहुत खुशी हुई कि हमारे उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं, यहाँ बुलाए हम लोग, आए देखकर बहुत खुशी हुआ। मैं इसके लिए महिलाओं को भी हार्दिक अभिनंदन प्रदान करता हूँ। जूनियर सेकेंडरी होकाश फोर नंबर जर्सी तौसिक वेस्ट 22 रेफरी मुकुल जी और मुखिया सुनील गुप्ता जी, मुखिया सुनील गुप्ता जी, टीम जो है उनको सम्मान पूर्वक सिर लेकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप ये बहुत बहुत धन्यवाद विजेता टीम को आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, बहुत ही मन बहुत दृश्य है। और अब मैं चाहूंगा कि जो विजेता टीम है टीम सील को दिया जा रहा है भाई, साथ में प्रमुख जी भी है और मुखिया सुनील गुप्ता जी भी है भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैडम मुझे एक कमी दिख रही है, मुझे एक कमी नजर आ रही है यहाँ पर शौचालय का और कल का, इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आश्वासन दीजिए मैडम। देखिए सबसे प्रथम तो 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका और पूरे संझौली प्रखंड का, जनता का और पूरे देशवासियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। यहाँ हम देख सकते हैं और मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण हो और ताकि हजारों लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। सो धन्यवाद। और अभी मैं मैच के निर्णायक के विषय में कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। यहाँ जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था औरंगाबाद और रोहतास के बीच में, तो कौन सा टीम कितने गोल से जीता है? इसमें बिहार रोहतास की टीम 5-5 और गोल किए हैं और औरंगाबाद की टीम ने 1 गोल किया है, जिसमें रोहतास की टीम विजयी हुई है।